खुशामदी दौर जहाँ पर हमने आज आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा रुबाब से, बहुत ज़बरदस्त हमारा सेगमेंट रहा। वहाँ पर हमने सोचा कि क्यों ना हम ये बात करें कि भई बकरों को तैयार कर लिया अपने आपने, कुर्बानी के जानवर को भी अच्छे से आप तैयार करके बहुत इनका ख्याल रखा। अब थोड़ा अपने ऊपर भी, क्योंकि ईद कुर्बानी की ईद की ये चीज़ होती है कि अपने ऊपर बहुत कम लोग ध्यान दे पा रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली और मसरूफियात इतनी ज़्यादा चल रही होती है, लेकिन अपने ऊपर कम वक्त में हम कितने अच्छे तरीके से हम तैयार हो सकते हैं खुद, इसके बारे में आज हमें बात करेंगे। नए नए फैशन ट्रेंड्स क्या हैं और मर्दों के भी फैशन ट्रेंड्स क्या हैं ईद के ऊपर, इसके ऊपर भी आज बातचीत होगी। हमारे साथ नादिया मौजूद है जो कि हमें नए नए फैशन ट्रेंड्स बताएंगी ईद के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको एडवांस में ईद मुबारक, और बस ये है कि ये ईद खैर खैरियत से, एंड वी ऑल नो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मंथ, सो आई होप कि सब अपने जो हमें इस महीने करना चाहिए प्लस कुर्बानी उस पर हमारा ज़्यादा फोकस हो। बट डेफिनेटली जहाँ औरतों की बात आती है वहाँ कपड़े तो आते ही हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपके लिबास की तारीफ कर दूँ, ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत ड्रेस है आपका। तो इसी तरह के फिर आप हमें ट्रेंड्स बताएंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट। तो पहले चूँकि खवातीन के ऊपर तो फ्रेंकली इस ईद पर जहाँ सब ज़्यादा जो मशक्कत करनी पड़ती है, हम दोनों को ही करनी पड़ती है, मर्द और खवातीन को भी, मगर खवातीन का तो बेचारियों का आधा दिन किचन में गुजर जाता है, फिर शाम को जब रिलेटिव आते हैं, मेहमान आते हैं, वो जल्दी में होती हैं, तो कोई ऐसा ड्रेस जो जल्दी में पहन भी सकें, बन संवर भी सकें, सो हमें हेल्प आउट करें, बताएं। देखिए ये दोनों ईदें थोड़ी डिफरेंट होती हैं दूसरे वाले में, आपको पता है मेहंदी चूड़ियाँ कपड़े बहुत ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पर होता है, ठीक है, बट डेफिनेटली औरतों ने तैयार तो होना है अपनी ड्यूटीज़ निभाने के बाद, दे रियली वांट टू ड्रेस अप। सो इस ईद में नॉर्मली हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं चिकन, ओके, लॉन, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग करा रहे हैं लॉन के ऊपर, सो अभी ये ज़्यादा ट्रेंड है, एंड एज यू नो कि एकदम से ट्रेंड चेंज हुआ, लंबी कमीज़ें आ गई हैं, तो एवरीथिंग इज़ इन, शॉर्ट शर्ट्स आर इन, लॉन्ग शर्ट्स आर इन, बेल्स आर इन, कैप्रीज आर इन, बट अभी लेटेस्ट जो आया हुआ है दोज आर वेरी लॉन्ग शर्ट्स। ओके जी, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें पहली स्लाइड दिखाई जाए कि पहला फैशन ट्रेंड हमारे लिए नादिया क्या लेकर आई हैं, ये देखें जनाब। अच्छा ये इसके बारे में थोड़ा हमें, अच्छा अब आप देख रहे होंगे इसमें ऑर्गेंजा है, लेसेस ऐड हुई हुई है, चिकन है, एम्बेलिशमेंट हुई हुई है विद अ लिटिल बटरफ्लाई, इफ यू कैन सी दैट, इतनी दूर से तो मुझे बता दे, बट ये अब देखिए आप इजीली यू कैन वेयर इट इन दिस वेदर बिकॉज इट्स वेरी ह्यूमिड, ठीक है, सो ऑब्वियसली आप शिफॉन्स एंड सिल्क्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी वेयरेबल, ठीक हो गया, एंड लाइट पेस्टल कलर्स, सही। और अभी क्योंकि गर्मी में जो कहा जाता है कि अभी ईद पर भी लोग लाइट कलर्स की तरफ ही जा रहे होते हैं, सो डार्क कलर्स वाकई नहीं पहनने चाहिए? नहीं नहीं, क्यों नहीं पहनने चाहिए, इफ यू आर गोइंग इन द इवनिंग यू कैन वेयर इट, बट समर्स में यस डेफिनेटली इन द मॉर्निंग टाइम आई वुड से कि आप प्रेफर करें लाइट कलर्स पहनने में, ठीक हो गया, बिल्कुल सही, कूल लुक देता है ना, इतनी गर्मी है ह्यूमिड है, सो इट्स गोना गिव यू अ लिटिल कूलर लुक, सही सही जबरदस्त। फिर आपकी फैब्रिक भी होता है कि अगर एक डार्क कलर भी अगर फैब्रिक आपका ऐसा है कि जो कंफर्टेबल है तो यू कैन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कैन जैसे आप कह रहे हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है? अच्छा ओके, लवली कलर जी, दिस इज कॉटन सिल्क। अब आप वो जो कह रहे थे कि जी थोड़ा सा अगर हम रात का फंक्शन है तो दिस इज लाइक विद वेरी लाइट एम्बेलिशमेंट्स ऑफ पर्ल्स एंड डायमंड्स, एंड Still, it's a very cool color. You can see that ke bahut cool color hai. So, ye bhi summers ka hai. ठीक हो गया, जबरदस्त। और अभी जो कहा जाता है बहुत ज़्यादा तैयार होने की बात जब आ रही होती है ना कि हम कितना तैयार हों, क्या हो, कपड़े किस तरह के होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत सिंपल होते हैं तो फिर वो आम रूटीन में और ईद में फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा होता, फिर ऐसे ऐसे क्या आप एडिशन कर सकते हैं जिससे आपको गर्मी भी ना लगे, आप कंफर्टेबल भी हों, आप किचन में भी जा सकते हो और आप इजी होकर पूरा दिन आप उस ड्रेस को पहन सकते, कंफर्टेबल भी और ईद ईद वाली खुद भी आपको फीलिंग आ रही है। अभी आपने देखा होगा ये दोनों जो है, एक कॉटन नेट था, जरी कॉटन नेट, ठीक है, ये भी गर्मियों का मटीरियल है, और दूसरा चिकन एंड ऑर्गेंजा थे। अब चिकन वाले में आपने देखा होगा जस्ट द लेसेस एंड एवरीथिंग, तो जब मैंने उसको एम्बेलिशमेंट किया विद बटरफ्लाई, उसमें डायमंड्स लगी हुई है, तो वो एकदम से आपको एक यू नो क्रिएट कर देता है एक इवनिंग लुक भी, और थोड़ा सा आपके ड्रेस को एनहांस कर देता है। ओके ठीक है, जबरदस्त। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड कर दें, जैसे पर्ल्स ऐड कर दें, डायमंड्स ऐड कर दें, सीक्वेंस ऐड कर दें, उन्हीं लॉन के ऊपर भी आप ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं। सही, ठीक है, मतलब छोटी छोटी ऐसी आप एडिशंस कर सकते हैं कि अगर प्लेन ड्रेस है तो मे बी आप दुपट्टा कलरफुल ले लें, बिल्कुल बिल्कुल कलरफुल ले लें, गोटा इज वेरी इन, सही, चिकन के ऊपर गोटा बहुत खूबसूरत तो लगता है, बड़ी गर्मी उससे गोटे का नाम सुन नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट दैट गोटा कि आपने भरी हुई गोटे की कमीज पहनी है, हल्का सा नेक लाइन के ऊपर आप अगर आप लॉन के ऊपर चिकन के ऊपर हल्का सा वो देते हैं
तो वो एम्बेलिशमेंट करें तो वो आपकी बस इवनिंग वेयर हो जाते हैं। ठीक है, जबरदस्त। तो छोटे-छोटे एडिशन से अच्छा जी, अभी इस के बारे में बताएं, इस स्टाइल के बारे में जी। अब देखें, ये अनदर यू नो वेरी लाइट कलर, पेस्टल कलर, एंड इसके ऊपर सारा पर्ल्स का काम हुआ है। So, अगर ये आपने इवनिंग में पहनना है, you can easily wear it in अच्छा, ये आप तब पहन सकते हैं जब बेसिकली आपने किसी डिनर पे जाना है, या आपके घर कोई जी, या आपके घर कोई बहुत बड़ा डिनर है, लाइक बहुत बड़ा नहीं, लाइक फैमिली डिनर है, सो यू कैन वेयर दिस जहाँ पर आपको है कि हाँ जी प्रॉपर हमने तैयार, वहाँ पर देखा जाएगा क्या पहना है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये भी वैसे है कि मैंने कहा जरूर था कि किचन में भी आप पहन सकें और सब, लेकिन इस चीज का ख्याल हमने जरूर करना है कि इस तरह के जो ड्रेसेस हैं जिन पे काम है, भारी है, आप कंफर्टेबल नहीं है जिसमें, तो किचन में जो है वो एहतियात करके हम किचन में। अच्छा, अब आप देखें इसके ऊपर ना ओवरकोट सा है ना, ठीक हो गया। सो ये बड़ा इजी है कि आप जब किचन में जा रही हैं, डोंट वेयर दैट वंस यू आर डन विद योर कुकिंग एंड एवरीथिंग, एंड गेस्ट से पहले आप उसको वो ऑर्गेंजा का जो गाउन ओके होते हैं, ठीक हो गया जी। वैसे एडवाइस इज कि जब आप किसी की तरफ जा रहे हैं तो आप पहन लें, है ना। वैसे बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो एक बड़ा अच्छा कलेक्शन है, खासकर खवातीन के लिए बताना भी चाहिए। अच्छा अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग फॉर्मल, ये भी पेस्टल कलर्स हैं, एंड देन चिकनकारी है, कामदानी इस पर हुई हुई है। ये अगर यू नो बेसिकली आई वुड से दिस इज मोर लाइक अ वेडिंग वेयर, शादी का जी, 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 मोर लाइक अ वेडिंग वेयर, स्पेशली कलर्स, और उसको अगर देखा जाए कि रंगीन दुपट्टा है और शादी शादी वाली फील आ रही है। सो लॉन वालों से, और आई थिंक हम ईद वालों से निकल गए, और अब जो पिक्चर्स आ रही हैं दोज आर मोर फॉर्मल। ठीक हो गया। तो ये आप ईद पे वैसे बहुत कम लोग हैं अब जो पहन रहे होते हैं गर्मी की वजह से, मेरे ख्याल में। पता है अभी लेटली ईद पे शादियां बहुत हैं somehow। Surprisingly, last ईद पे मैंने खुद एक शादी अटेंड की है ऑन द ईद डे इवनिंग में। जी अच्छा जी, फर्स्ट डे ऑफ ईद इन द इवनिंग आई अटेंडेड अ वेडिंग, फैमिली वेडिंग। अच्छा, सो अभी आपको पता है बिकॉज ऑफ कोविड वी ऑल हैव गॉन थ्रू सो मच एंड एवरीथिंग, तो वो चीजें रुकी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर, सो पीपल आर ट्राइंग टू कम बैक टू लाइफ, एंड आई होप कि अल्लाह ताला खैर करे आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ईद हमारी खैर खैरियत से गुजरे। अभी बहुत प्यारा सा एक ड्रेस स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ था, मरून कलर का है मेरे ख्याल में, मैं चाहूंगी वो भी हम एक दफा देखें। अच्छा जी, ये इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली अ वेडिंग वेयर है, ठीक है, रिसेप्शन। अच्छा, मुझे पिछला ज्यादा लग रहा था, ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है। डेकोर भी देखें ना आप, जो डेकोर भी जी जी वेडिंग का ही है, इट्स लहंगा विद एम्बेलिशमेंट्स हुई हुई है, सारा नीचे सिल्वर गोल्डन सीक्वेंस में काम हुआ हुआ है, डायमोंडीज हैं पूरे ड्रेस के ऊपर, नीचे हमने नेट की थोड़े से फ्रिल्स दिए हुए हैं टू गिव इट अ लिटिल मोर फॉर्मल लुक। जी जबरदस्त, और इसमें मुझे एक चीज ये अच्छी लगी कि जहाँ पर ड्रेस उन्होंने भारी पहना हुआ है, हैवी ड्रेस जिसको हम कहते हैं, और नीचे क्योंकि गोल्ड का काम भी थोड़ा बहुत हुआ हुआ है, तो वहाँ पर उन्होंने ज्वेलरी को कैरी नहीं किया हुआ बहुत ज्यादा कि ओवर सी एक लुक ना आ सके, सो बहुत इन्होंने मिनिमल सा रखा हुआ है, इसीलिए मुझे लग रहा है बहुत एलिगेंट भी लग रहा है, ओवरडू नहीं किया हुआ एग्जैक्टली। और कलर जो है वो खुद जो है, काफी ड्रेसेस होते हैं जिन पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, रेड लिप कलर तो आप फिर और कुछ नहीं करते। You prefer not to do something. मेरे माइंड में आ रही है, मेरी ईद लुक मेरे माइंड में भी आ रही है कि वाइट ड्रेस आपने पहना हो, उसके ऊपर आपने रेड लिपस्टिक लगाई, यू आर ऑल सेट फॉर ईद ना, सबका दिमाग अभी भी मेरे माइंड में, अभी तक मैं परेशान थी कि क्या करूं, एक दिन रह गया है इसके बाद अब क्या होगा, तो मेरे माइंड में एकदम लुक आ गया। चलें ये जी, ये नादिया की वजह से हुआ जी मेरी ईद लुक आज की, नहीं तो कोई बात नहीं, शो के बाद मैं आपको बता दूंगी, जल्दी से कोई लुक नहीं होती कि क्या कर ले क्या कर ले और हो जाए, ठीक है, डन डील डन, यही मैं चाह रही थी। चलें जी, अगली हमें अगला ट्रेंड दिखाया जाए, ये देखें जी। ओके, दिस इज अ मेहंदी जोड़ा, मेहंदी का, इसमें रेशम का काम हुआ हुआ है, दबका है, सिनमा है, दिस इज अगेन सितारा है दुपट्टा, सो ये तो टोटली आप देख रहे होंगे गेंदे के फूल भी नजर आ रहे होंगे यहाँ बैठे, बिल्कुल यहाँ बैठ के भाई, तो मेहंदी के कलर्स में हमने इसको ब्लेंड, खुशबू भी इतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है, खुशबू भी आ रही है, मुझे तो ये ना कह दे कि आपको ढोल की थाप भी आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा नादिया जी, हाँ ढोल की थाप और उसके ऊपर भंगड़ा, पंजाबी हूँ। अच्छा नादिया, अभी आजकल जो मेहंदी के ड्रेसेस आ रहे हैं उन पे भी अगर हम देखें तो अब जिस तरह इनके स्लीव्स पे काम हुआ हुआ था, सो हो सकता है कि बाकी क्योंकि पूरे ड्रेस की पिक्चर नहीं थी, स्लीव्स का ही था कि स्लीव्स हैवी कर दिए और बाकी येलो ड्रेस है और पूरा ड्रेस प्लेन होता है लोगों का। अच्छा ये दामन था,
ये सिर्फ हमने नीचे का दामन दिखाया था, बट हमने डेफिनेटली यही कलर सेम यूज किए हुए हैं बाजू पे भी। ओके जी बिल्कुल, सॉरी आप कुछ पूछ। जी जी बिल्कुल, यही था कि आप हल्का सा कोई टच देके कोई लेस लगा ली बाजू पे या दामन पे, जिस तरह आपने हमें दिखाया। सो उसमें भी आप, अब आप क्या करते हैं कि आप ड्रेसेस में डिफरेंट कट्स पे जा रहे होते हैं। बिल्कुल, कि कौन सा कट है वो हमें उससे पता लग जाता है, अच्छा ये शादी वाला कट है और ये देखा जाए। अच्छा अभी देख रहे हैं ये दुमा कट है कि चॉप्स कट है, उसमें चलते हैं दुमा चॉप कट्स पे। कैसे कटवाना है, कौन सी बोटी बनवानी है, हाँ वो फिर कसाई आना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारे पास आगे क्या है? ये आपने ईद पे तो अच्छा अब आप, मैं आपको बताती हूँ इस जोड़े की भी क्या खास बात है कि ये कामदानी में है, ठीक है। आपने अगर इसको खाली पहनना है लाइक विद अ वाइट दुपट्टा और एनी अदर पेस्टल कलर दुपट्टा, इसमें कामदानी है और गेंजा यूज हुई हुई है और बिल्कुल हल्का सा नेक लाइन पे एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। अगर आपने इसे वेडिंग पे नहीं पहनना, यू कैन जस्ट रिमूव दिस दुपट्टा चुनरी का और लाइट कलर दुपट्टा ले लें, सो आपका अच्छा नाइस इवनिंग वेयर हो जाएगा, पार्टी वेयर। और अगर आपने इसी जोड़े को विद चुनरी का दुपट्टा ले लिया तो आपने देखा एकदम से ये वेडिंग लुक आ गई है इसमें। एग्जैक्टली अच्छा ये वही है कि जो लोग अक्सर मिक्स एंड मैच करके पहन रहे होते हैं कि आपको नए कपड़े ना लेने पड़े, लेकिन बाजू का अगर आप सिर्फ दुपट्टा चेंज कर लेते हैं या आप कोई भी हल्का सा, आप दुपट्टे को किसी और ड्रेस के साथ लेना शुरू कर देते तो वो बिल्कुल एक नया ड्रेस बन जाता है। तो आई डू दैट मोस्टली, लाइक मेरा यही होता है कि मेरे ड्रेस को आई ऑलवेज कैरी इट दो या तीन तरह से। तो और मैं ये कहती भी हूँ यार, व्हाई नॉट यूटिलाइज इट लाइक यू नो मोर टाइम्स। हमारे यहाँ ये है कि जी एक दफा कपड़ा पहन लिया तो दोबारा नहीं पहने, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप उसको यूटिलाइज करें डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्टाइलिंग से। एट टाइम्स आप ज्वेलरी चेंज कर लेते हैं, एट टाइम आप उसके साथ दुपट्टा चेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। जैसे हम मर्द हजरात हैं ना, तो हम सिर्फ एक शर्ट चेंज कर लेते हैं, सूट वही होता है, टाई और पॉकेट स्क्वायर और बस सॉक्स चेंज कर लेते हैं और हम बिल्कुल एक डिफरेंट तरह से नजर आते हैं। बस आप लोग मुंह भी धो ले तो बस सिंपल सा होता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मामले में जो है वो मेरे ख्याल में काफी ब्लेस्ड है सारे मर्द हजरात भी, आप ही के उनको मेकअप की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती कि आप बस सिंपल आपने मुंह धोया, आपने ड्रेस चेंज कर के आपने शर्ट भी चेंज कर ली तो उसके बाद आप मतलब यू आर गुड टू गो, आपको कोई मसला ही नहीं है और आपको ज्यादा तैयारी में टाइम भी लग रहा होता। मुझे अच्छा लगता है खवातीन जब बनती संवरती हैं, क्यों ना बने सब। एग्जैक्टली अच्छा, लेकिन सॉरी टू कट यू, लेकिन आजकल मर्द भी कोई पीछे नहीं रह रहे हैं। उतनी ही तैयारी हो रही होती है, मतलब उनके भी कपड़े उसी तरीके से, ये नहीं होता कि उनके कपड़े नहीं तैयार होते। अगर औरतों के खवातीन के कपड़े तैयार हो रहे होते हैं, मर्दों के भी यही हो रहे होते हैं, मर्दों में भी आजकल यही ट्रेंड है। अच्छी बात है कि इकॉनमी भी है ना आपकी बूस्ट होती है जब मर्द भी बनवा रहे हैं, तो बहुत से लोग जो है वो अपना रिस्क भी वहाँ से कमाते हैं। एंड वी रियली नीड टू डू दैट। रब ताला को भी हुस्न पसंद है, इंसान को बनना संवरना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए और हुस्न की तारीफ करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। अच्छा ये जो लिबास है जिनको हम जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, बड़ा खूबसूरत लिबास है मगर उसको फिर कैरी भी करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी फिर यू नीड टू हैव दिस थिंग कि आप इसे कैरी कैसे करना। देखिए जब हमारे पास कोई आता है ना तो वो आता है इसलिए कि हमने उनको उनके मुताबिक कपड़े डिजाइन करके देने होते हैं, इसीलिए हम डिजाइनर होते हैं। यू नो व्हेन समबडी कम टू अस तो हम पहले उसकी फिजिक यू नो रंग हर चीज़ के मुताबिक कपड़े देते हैं। सो वो यही होता है कि जैसे आपने कहा, तो बस जब कोई आता है तो फिर हम देखते हैं कि यार इसके साथ क्या क्या सूट करेगा, सो अकॉर्डिंगली वी डिजाइन। Lovely. ठीक है, ठीक है। So do we have more slides? कुछ और भी है? I don't know कि आपने कौन कौन सी दिखा रहे हैं, because मैं pictures तो जी, this is also wedding wear. अच्छा ये भी कलर बहुत आजकल ट्रेंड में है और इस कलर के साथ भी लोग बहुत मिक्स एंड मैच करके चलते हैं, जिसमें से इसके साथ जो है वो गोल्ड मरून सा दुपट्टा है। बिल्कुल नॉट रॉन्ग, जी जी जी, ये किम खाब का दुपट्टा है, किम खाब में है ये, गोल्ड में एंड मरून में है। सही, ड्रेस जो है वो ग्रीन है और किम खाब। अच्छा अब ये जो है दिस इज द ब्राइडल वेयर, ठीक हो गया। ये तो प्रॉपर बना है। अब इन्होंने कहा कि ईद पे जितने लोग हैं ना आप सब के अरमान जागे, शादियों पे जाना शुरू कर दें, शादियां करना शुरू कर, और जिन्होंने शादियों पे जाना है तो उनके लिए भी हमने काम कुछ ना कुछ लिया, ठीक हो गया, जबरदस्त। ईद पे अगर शादी होगी तो जनाबे वाला फिर हम गोश्त इतना खा चुके होते हैं, फिर वो तो वेजिटेरियन हो जाएगी। जो मैं आपको सही बता रही हूँ कि ईद के फौरन बाद इस दफा इतनी शादियां हैं और छोटी ईद के बाद भी बहुत शादियां हुई हैं, वही आई थिंक द रीजन इज बिकॉज़ यू नो जो लास्ट फैमिलीज इकट्ठी होती है ना ईद पे, तो वो आपको ऐसा ओकेजन मिल गया कि फैमिलीज पाकिस्तान के बाहर से भी आई होती हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आप उसको दैट इज द पॉइंट, यू आर राइट, बिकॉज़ मैं भी ये सोच रही थी, बट यस वेरी ट्रू
कि छुट्टियां हैं बच्चों की, सो एवरीबॉडी इज ट्रैवलिंग, तो सब लोग यही कोशिश करते हैं कि यार ईद के दूसरे तीसरे चौथे दिन जो भी उनको दिन सूट कर रहे हैं उसके मुताबिक, बट डेफिनेटली बहुत शादियां हो रही हैं। अच्छी बात है, खुशियाँ आती हैं और खुशियाँ आनी भी चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई हैं और आपने हमें बताया। बड़े खूबसूरत ड्रेसेस थे, इनसे दो ड्रेसेस तो मुझे भी बड़े पसंद आए। हर मर्द को चाहिए कि जो अपनी खवातीन हैं उनके लिए जब शॉपिंग करके जाएं तो कैसे, जैसे हमारी तो बड़ी ईद आ चुकी है तो हमारा तो रास्ता मैदे से जाता है और रिटर्न उधर जो रास्ता जाता है वो आप खूबसूरत लिबास लेके जाएं अपने घर वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप आई हैं, बड़े खूबसूरत।